भाई लेकुण। लेकुण, कैसे? थी। साथ भाई जी जी कैसे है 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 ठीक ठीक ये 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 कौन सी नस्ल राजनपुरी राजन सब मिक्स हैं। है। अभी इस वक्त माशाल्लाह गिनती में तकरीबन चौदह पंद्रह जानवर नजर आ रहे हैं हाँ जी बिल्कुल है। तो बात तो ही से कह रहे है सो एक जानवर होगा ये बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं अमजद नूर और आप मंडी मेला इन फो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि पिछला शोक मैंने आपको बैलों का करवाया है गल्फ कैटल फार्म पे चौधरी अता साहब के और अब इंशाल्लाह बकरों का मैं सोच रहा था कि अलग आपको शो कराऊंगा तो अब अलग आपको शो करा रहे हैं हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं अल्लाम अलेकुं सर वैक्म कैसे हैं सर ठीक है जी अलहमदिल्ला सर थोड़ा सा हमारे व्यवर्स को तारुफ़ करा दें अपना जी मेरा नाम उस्मान भट्टी है जी मेरे दोस्त हैं चौधरी अता साहब गल्फ़ के साथ ही बस ये इधर आते रहते हैं और अच्छा ये करते हैं माशा पिंडी इस्लामाबाद में सबसे अच्छी मैनेजमेंट भी इनकी है जी है। और ये मतलब फार्म पे हर तरह के जानवर अवेलेबल होते हैं जी हाँ है। जी जैसा कि व्यूवर्स आपको पता है गल्फ़ कैटल फार्म चौधरी ताब को किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है तारों के मोताज नहीं है लेकिन यह है कि आपको शौक़ कराना था आप लोगों की खातिर यहाँ तक हम आएँ भट्टी साहब ने हमें टाइम दिया है अच्छा सर हमें बताएं फ्यूचर में अवेलेबिलिटी कितनी तकरीबन बकरों की होगी अभी तो बकरे कम है यहाँ पर नहीं ये अभी बस इन मैंने आपको बताया अभी स्टार्ट हमने किया है इसका सेटअप बकरों का पहले बड़े जानवर हम तो ये मतलब सारी जो नस्ल के मिला के जानवर हमारे पास आखिर में दो ढाई सौ की कलेक्शन होगी यहाँ पे इनशाला इनशाला और सारी ब्रीड यहाँ पे अवेलेबल होंगी और अच्छी ब्रीड के सारे होंगे जी जी सब अच्छी ब्रीड्स अच्छा एक आपके पास छोटा सा बकरा वहाँ पर मौजूद है उसकी पहले तो हमें नस्ल बता दें ये इसको जी टापरा ता, बोलते हैं और ये हमारे भाई हैं इनके ये तलागंग में इनके पास जिनकी मादियाँ भी हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगी अच्छा, अच्छा। इसी नसल की ये वैसे जरा शोकिया अच्छा। नुमाइशी नसल होती है सही। तो ये जरा शौक के लिए डेरे की लेके आए हुए यहाँ पर तला गंग हमारा दूसरा मेन परचेजिंग भी यही करते हैं तला गंग में इनका मतलब अपना माशाल्लाह ज़मीनें भी हैं और बाकी सारे जानवरों की ज्यादा परचेजिंग ही करते हैं ठीक है बकरों की जिम्मेदारी इनकी है जी बड़े जानवरों की भी बकरों की भी सब अच्छा, बड़े जानवरों की भी जी जी परचेजिंग ज्यादा ये, ये आप भाई करते हैं सही हो गया ठीक जैसा कि व्यूवर्स वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि स्पेस इनके पास काफ़ी बड़ी है स्पेस देख के लग रहा है कि जो प्लान है वो काफ़ी सारे बकरों का है तो इन शह जिसरा बड़ी साहब ने हमें बताया कि सौ से ज़्यादा इनके पास बकरे यहाँ पर मौजूद होंगे अच्छा मुझे ये बताएं कि इस ईद का लोग पूछते हैं हम एक एक बकरे का आपको मतलब व्यूवर्स को रेट नहीं बता सकते लेकिन ये कि मुझे बताएं कम अज़ कम रेट में और ज़्यादा से ज़्यादा रेट में कितने रेट में आपके पास यहाँ पर बकरा अवेलेबल होगा जी बकरे तो असल में ये सारे अब वो वजन के हिसाब से और फिर इनकी ब्रीड्स भी होती हैं राजनपुरी बकरे इनमें सबसे महंगे होते हैं वाइट वाले जी जी उसके अलावा बीतल हैं ये मक्की चीनी हैं और वेट के हिसाब से लेकिन ये है कि हर रेंज के बकरे हमारे पास मतलब काफ़ी बड़े भी साइज़ के तकरीबन मन डेढ़ मन दो मन और चालीस हज़ार से लेके अप टू जितना बड़ा बकरा उस हिसाब से फिर उसका रेट होता है ही है यानी कि जो लो रेंज का बकरा वो तकरीबन तकरीबन तक आप कह सकते हैं चालीस हजार उससे नीचे भी हो सकता है लेकिन इस रेंज में कम अज कम कम अज कम होगा जी, जी। तो राजनपुरी के साथ यहाँ पर अबलग भी है और ये मक्खी चीना भी चीने भी है बीतल भी होंगे अभी तो ये स्टार्ट में हम अभी ये कोई चौदह पंद्रह बकरे कल ये शिफ्ट किए हैं यहाँ पे तो पीछे भी हमारी परचेजिंग वगैरह चल रही है तो इनशाला ये अगले हफ्ते दस दिन में ये सेटअप में भी काफ़ी माल आ जाएगा सही तो व्यूअर्स जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया है कि इन शाला ये मज़ीद बढ़ाएँगे बकरों को अपने यहाँ पर क्योंकि अभी स्टार्टअप इन्होंने लिया है ज़्यादा फोकस बड़े जानवरों पर था लेकिन यह है कि इन इन द फ्यूचर हफ़्ते दस दिन बाद आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आपको बकरे नज़र आएंगे और बड़ी अच्छी नस्ल के वैक्सीनेटेड जानवर जी 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 सब वैक्सीनेटेड और ये सब मतलब आपको सेहतमंद जानवर और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे स्लॉटर फैसिलिटी पिछले साल भी हमने दी थी अच्छा। जैसे कोविड की वजह से लोग घरों में कुर्बानी करने से थोड़ा कतराते हैं सही तो वो इन वो भी हम यहाँ पे इस दफ़ा भी सहूलत देंगे कि अगर यहीं पर बकरे ले कर यहीं पर ज़बहर करवाना चाहें और अगर जो लोग पहले परचेज़ करते हैं वो ईद तक यहाँ पर रख भी सकते हैं सही सही जी वो वाली बात भी साहब की बता दें कि पिछली ईद पे ये कोविड की वजह से ही जो इशू था कि यहीं पर ही तकरीबन सब सेल आउट हो गया जी जी वो तो अल्हदल्ला हमारा बड़ा अच्छा पिछले साल भी चौधरी साहब का बल्कि ये ओवरऑल तमाम जो मंडियाँ लगती हैं उनमें हमने टेंट नहीं लगाया दो मंडियाँ इस्लाम आबाद में जो मेन लगती हैं तो हमारे माशा तीन दिन दो दिन पहले ही सारे जानवर कम्प्लीट सेल आउट हो गए थे और इस साल भी इन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मर्जी हुई तो इधर ही हमारे क्योंकि ज्यादा क्लाइंट जहाँ पे आके खुश भी होते हैं तो माहौल बहुत अच्छा है खुली जगह है फिर फैमिली के साथ लोग आते हैं तो यहाँ परचेजिंग उनको इजी रहती है इन स्टेड ऑफ़ के वो मंडियों में जाएं रश में फँसें यहाँ पे एक्सेस अच्छा है सही तो बड्डी साहब ने पहले ही बता दिया मैं यही बताना चाह रहा था कि फैमिलीज़ हमने खुद भी देखी है यहाँ पर फैमिलीज़ विज़िट कर रही हैं हमारे होते हुए भी फैमिलीज आई हाँ हैं और आप लोग भी आ सकते हैं प्रॉपर एड्रेस अगर आप प्लीज़ बता दें ये चिकबेली रोड पर आते हैं तकरीबन अंदर पंद्रह से बीस किलोमीटर है पंद्रह किलोमीटर और इसको डोग बदाल बोलते हैं डोक बदाल, है बदाल का टर्न है जी डोक बदाल का टर्न है उसके साथ ही थोड़ा सा आगे क्या रोड आती है वहाँ पर मशहूर है किसी से भी गल्फ़ कैटल के नाम से एक ये बड़ा फार्म है और ईजी एक्सेस है टोटल अगर आप लाइक पिंडी से आएँ तो मैक्सिमम थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट फोर्टी मिनट की है सही कह रहे हैं अच्छा सर लास्ट में अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहें हमारे के साथ आ, अगर कोई भी अपडेट्स वगैरह के लिए किसी ने रब जी जीरो टू वन फाइव डबल जीरो टू ट्रिपल फोर इस नंबर पर आप कर सकते हैं अगर किसी को एड्रेस समझ में आए व्हाट्सएप लोकेशन भी मंगवा सकते हैं सही है तो वो फिर इनशाला जैसे भी हो सही है कोई भी अपडेट्स इन्फो जानवरों के बारे में आपने लेनी हो या फिर एड्रेस का अगर कोई इशू होता है तो उसके लिए भी आप लोकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो इन श्ला यहाँ पर आएँ विज़िट करें फैमिली के साथ आएँ जानवर आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छी नस्ल के और वैक्सीनेटेड जानवर नज़र आएंगे सेहतमंद सारे माशाला बाकी गल्फ कैटल फार्म तो आपको पता ही है और इनका अपना भी गल्फ़ कैटल फार्म के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी मौजूद है वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं इनकी वीडियोस वगैरह वहाँ पे देख सकते हैं जानवरों का शो करवाते हैं थैंक यू वेरी मच सर आपने इतना टाइम दिया इतनी रिस्पेक्ट दी यहाँ पर नहीं हमें नहीं आपका शुक्रिया आने का और इन मुलाकात रहेगी आगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू वीवर्स और इजाजत चाहूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पर क्लिक कर दें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों यारों के साथ आगे शौक आगे भी फैले तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इसी जगह आ, किसी नई जगह पे और आ, किसी नए शौक के साथ तो इंशाल्लाह तब तक के लिए हमें इजाजत दें हाफिज़